केस सुरासुरमण सिंध वंदिदं भोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे शाश्वत पदार्थियों, शाश्वत पथ के पथिकों, आओ जिन शासन का रसास्वादन करते हैं। कुनकुन स्वामी का पंचास्तिकाय संग्रह एक ग्रंथ है। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, शंकाकार ने एक शंका उत्पन्न की कि आप जैनी लोग करने और भोगने के संदर्भ में क्या मानते हैं। प्रश्न थोड़ा खोलता हूं, जो करता है वही भोगता है कि कर्ता एक है भोगता दूसरा है, ऐसा मानते हैं, अब मानते कैसा है, ऐसा प्रश्न पूछा। मैं आपको नहीं पूछना चाहता, समय बहुत सीमित है अपने पास, आश्चर्य से खाली नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उत्तर आम नहीं है। उत्तर ये दिया आचार्यों ने, जो करता है वही भरता है वही भोगता है, ऐसी मान्यता के साथ साथ करता एक है भोगता दूसरा ही है, ऐसी भी मान्यता हम मानते हैं उतनी ही दृढ़ता से। ऐसे कैसे हो सकता है, जो करता है वही भोगता है, द्रव्यार्थिक ने से देखा जाए तो ऐसा ही है, पर्यार्थिक ने से देखा जाए तो कर्ती पर्याय एक है भोगती दूसरी है, अपराध किया श्रेणिक ने भोग रहा है बेचारा नारकी, पुण्यार्जन कर रहे नारकी भोगेगा वो महापद्म, वहां पर पुण्यार्जन समझ में आ रहा है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधना, कर्ता एक है भोक्ता दूसरा है, पर्यार्थिक ने से पर्याय पर्याय अलग है। और यदि सर्वथा ही ऐसा नहीं होता, वस्तु या तो सर्वथा नित्य होती या तो सर्वथा अनित्य होती, सर्वथा नित्य होती तो महावीर के बदले में मारीच का मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता, और सर्वथा ही अनित्य होती तो महावीर जयंती दीपावली के दिन मारीच को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न तो बहुत साधारण है, सर्वथा नित्य भी नहीं मानते, सर्वथा अनित्य भी नहीं मानते, किसी अपेक्षा से सर्वथा नित्य मानते हैं और किसी अपेक्षा से सर्वथा अनित्य भी मानते हैं।
वे मेरे प्रारंभिक दिन थे, नए नए कदम रखे थे मैंने जनमार्ग में, बहुत सुखद अनुभूतियाँ थी। थोड़ा आपसे शेयर करूँ तो आज 15-16 साल हो गए हैं, खुमारी बिल्कुल भी, रत्ती पाई भी कम हुई है ऐसा कभी नहीं लगता। वही उमंग, वही जुनून, आज भी यही भावना, गृहस्थी की चौकट तोड़कर अपना गंतव्य अपन निश्चित करें। खैर, वे मेरे प्रारंभिक दिन थे, 2-3 महीने हुए थे, एक जगह जाता था पढ़ने के लिए, गर्जी को क्या भाई, गर्जी को क्या, कौन पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। गुरु नाम गुरु गोपालदास जी का जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्ययन में चलता था, और जहां पर भी मैं गया, जितने सेक्टर्स में जहां जहां पर भी मैं गया, मेरी बहुत महिमा की गुरुओं ने। मैं एक लाइन भी कुछ पढ़ना होता तो सैकड़ों की सभा में भी वो बहुत उभारते थे मुझे, न जाने क्यों, उपादान मजबूत हो। पढ़ाते पढ़ाते गुरुओं की मेरी प्रति प्रीति, आदर, ये सब बहुत सुखद अनुभूतियां रही है। लेकिन आदर और सम्मान एक तरफ रहता है, जब तात्विक पहलुओं पर बात होती है तब यहाँ पर कोई गुरु नहीं हुआ करता, यहाँ पर तो आप्तों की भी कड़काई से गेट रेडी ना हो, आपकी छानबीन होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरा बाप भी यदि मुनि दीक्षा धारण करे उस कीमत पर भी 28 मूल गुण यदि नहीं होंगे तब भी मैं उनको प्रदान तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक बहुत बड़े बाप है मेरे माथे के ऊपर, जिसके सामने तो कुछ भी बात नहीं है। यहां पर खून के रिश्तों को कौन पूछता है जी, नो वैल्यू हियर, सर्वव्यापक धर्म है यहां पर, यहां पर तो सभी अपने ही नजर आते हैं। अस्तित्व गुण पढ़ाया, वस्तुत्व गुण पढ़ाया, द्रव्यत्व गुण पढ़ाया जाने लग गया। द्रव्यत्व गुण पढ़ाते समय पढ़ाने वाले ये बोले कि यहां पर जो परिभाषा गोपालदास जी ने बनाई है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का निरंतर परिणमन होता है, अपना अपना प्रत्येक समय में कार्य करता है, अपना अपना नहीं, प्रत्येक समय में कार्य करता है, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। राइट राइट, ठीक कहते। गोपालदास जी ने ये जो परिभाषा की है थोड़ी त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण परिभाषा थोड़ी ऐसी चाहिए, आप करेक्शन करिए बोले, और परिभाषा ऐसी चाहिए जिस शक्ति के कारण वस्तु नित्य रहते हुए भी प्रत्येक समय में परिणमन करती है, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। दोषावाच्य गुरुरपि, सम्मान अपनी जगह है, विनय अपनी जगह है, कोन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र अथाह है, यहां पर कौन नहीं चूक सकता। और यहां पर यदि गुरु भी सदोष है, यदि हमारे पकड़ में आए तो जिनवानी का वास्ता है, जिनवानी की निर्दोष प्रवाह क्रम के लिए ज्ञानी उसको चलने देंगे नहीं। ऐसा उन्होंने जैसे ही कहा, मैं तो बहुत नया जीव था, आसपास देखता था, 25-30 ब्रह्मचारी बहने बैठी थी सफेद साड़ी, एक तरफ व्रती त्यागी वर्ग और एक तरफ प्रबुद्ध स्वाध्यायी समाज, और मैं नया आदमी, किम कर्तव्य विमूढ, क्या करूं। मैंने सहज ही एक प्रश्न पूछा, गर्जी को क्या है,
मैंने कहा कि यह आपत्ति आपने अस्तित्व गुण में दर्ज नहीं की, उसका कारण मैं जान सकता हूँ। आपको त्रुटि द्रव्यत्व गुण में ही लगी, अस्तित्व गुण में भी ऐसी आशंका उत्पन्न हो सकती थी। पंडित जी साहब लिखते, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, वहाँ पर भी आप ये कह सकते थे जिस शक्ति के कारण वस्तु नाशवान होने पर भी उसका नाश नहीं होता। यहाँ पर आपने ऐसी नहीं कही परिभाषा, अपीलिंग, मैंने ये चीज बोली। सभी जन देखने लग गए, ये बच्चा कैसे बोलने लग गया। बोलने के लिए तो क्या है, दिल बोलता है, किसी अनुमति लेने की कहा बात है, वचन सहज मुखरित होते हैं। दरअसल जैन शासन ही ऐसा है, आप किसी भी चीज का एकांत नहीं कर सकते। आप एक तरफ देखते हो तो वस्तु आपको सर्वथा नित्य ही दिखती है, 100% नित्य, अनचेंजेबल। वहां पर मारीच महावीर की कोई गुंजाइश ही नहीं है दिखने को, दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है वहां पर। और एक तरफ देखो तो मारीच ही मारीच दिखेगा, फिर मारीच दिखने पर महावीर तो क्या, वो एक धारा प्रवाह क्रम नित्यांश तो क्या, महावीर ही नहीं दिखता वहां पर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अनित्य नये से देखिए, नित्य अनित्य नये का युगल चलेगा। नित्य नये से देखो तो वस्तु 100% नित्य है, बट अनित्य नये से देखो तो वस्तु 100% अनित्य है, ऐसा ही है। मानो, इसे मानो। आप लोगों ने यदि कारण मीमांसा पड़ी होगी, निमित्त उपादान यदि पढ़ा होगा अच्छे से अप टू द मार्क, तो उसमें त्रिकाल उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण ऐसे दो कारण बताए हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। अभी एक कदम और आप मेरे साथ चल सकेंगे। क्षणिक उपादान कारण दो बताए हैं, एक और दो। दो तो तत्समय की योग्यता बताए है, एक क्या बताया है? अभी बहुत कम जन बात कर पाएंगे। बोलिए बोलिए। मैं पुनः ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं वाइंड अप करता हूं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ऐसा आपका उत्तर होगा मैं जानता हूं। युक्त द्रव्य, राइट, द्रव्य का व्यय होता है, द्रव्य का नाश होता है। पूर्व द्रव्य का नाश होकर उत्तर द्रव्य का उत्पाद होता है, और ऐसा होने पर भी कुछ भी नहीं होता। यह हमारी बात 7-8 दिन पहले आ रही थी, आपको याद आ रहा होगा। आप्तमीमांसा की कारिका का आस्वादन करते हैं। पयोव्रतो न दध्यति न पयोत्ति दधि व्रत। अर्थ आप में से मैं चाहूंगा, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम्। अब बोलेंगे, जिसको दही लेने का नियम है आज, वो दूध नहीं ले सकता। अथवा जिसके दही का त्याग है वो दूध नहीं ले सकता। जिसके दही का त्याग है वो दूध तो ले सकता है, जिसको दूध का त्याग है वो दही ले सकता है, लेकिन जिसके गोरस व्रत, गोरस का ही त्याग है, वो ना दूध ले सकता है ना दही ले सकता है। क्योंकि बात दूध दही की नहीं है, वस्तु त्रयात्मक है, ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी। यहां पर कहो तो दो पक्ष स्पष्ट ख्याल में आने चाहिए, एक नित्य पक्ष और एक अनित्य पक्ष।
नित्य उखड़ता दिखे तो जैसी आपत्ति होती है, अनित्य उखड़ता दिखे तो वैसी ही आपत्ति हमको होना चाहिए। वस्तु का सम्यक ज्ञान करो, वस्तु का सम्यक ज्ञान करो, और एक धर्म हटाओगे तो एक नए हटेगा, इसी को मिथ्या एकांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन कैसे होता है थोड़ा सा बताता हूं आपको। उत्पन्न होती है पर्याय, पुरानी पर्याय ध्वंस होती है, फिर ये भी पर्याय नष्ट होती है, आगे की पर्याय उत्पन्न होती है। अनंत काल से यही सिलसिला चलता आ रहा है, अनंत काल तक यही चलता रहेगा, क्योंकि द्रव्य और कुछ भी नहीं करता, यही उसका काम है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम, न्यूटन की भाषा में अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड, a thing can just be transferred from one form into the other। विज्ञान हमारे साथ है। स्याद्वाद की बात आएगी तब भी अल्बर्ट आइंस्टाइन तो ये कहेंगे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कम्स फ्रॉम जैनिज्म। विज्ञान हमारे साथ है, शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए लगा, और अहमदाबाद के एक स्पीच में थोड़े टाइम पहले पटेल जी ये बोल रहे थे, अरे जैनी भाइयों अभी तो तुम्हारा काल पका है, यदि तुम चाहो ना तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पर तुम कब्जा कर सकते हो। आज का युग वैज्ञानिक हुआ है, लेकिन क्या करें आज के जैनी भाइयों ने केशरी वस्त्र पहनकर इस थाली का माल उस थाली के करने में ही धर्म की इतिश्री मानी है। सो सैड। पटेल, पटेल का स्पीच पढ़ना चाहिए, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। आज वैज्ञानिक हमारे साथ खड़े हैं, खरेखर तो वे बेचारे हमें फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रश्न ये है, पर्याय पैदा होती कहां से है, पर्याय जाति कहां पर है, हम थोड़ा इसको भी सर्च करते हैं। वस्तु का प्रॉपर अभ्यास करेंगे आज हम। आज दो ही नयों का विचार है, इनफ टाइम है वैसे अपने पास। एक लड़की चरखे पर सूत कातती थी, आज अचानक चरखा खराब हो गया, देखा किल मुड़ गई है, बेंड आ गया, लोहार के पास गई, साहब बोलो इसका बेंड निकाल कर दो, 10 रुपए लगेंगे, ले लेना 10 रुपए ले लेना, ठीक है, हाँ साहब काम हो गया आपका, लाओ 10 रुपए। कहा है ऑब्जेक्ट, साहब ये रही आपकी कील, मोड़ कहा है, हमने आपको ये कहा था मोड़ निकाल कर देना, हमने आपको कहा था मोड़ निकाल कर देना, वो मोड़ कहाँ चला गया? कौन बताइए चीज है? ये जैन शासन है, और वो जो सरलपना है वो कहां से आया आप जानते हो? वो उसी किल में से आया, उसी में ताकत थी, वहां से आया है। कुम्हार की जेब में से, हथौड़ी में से, हाथ में से, उंगलियों में से नहीं आया है, ये किल में से ही आया है, और वो मोड़ फिर किल में चला गया है। वो पर्याय, समुद्र का उदाहरण आपने सुना होगा, एक साधारण उदाहरण देकर फिर मैं अपने बात को बढ़ाता हूं। वो लहर समुद्र में से ही आती है, उत्तरंग और फिर निस्तरंग होकर वो लहर फिर समुद्र में समा जाती है, समुद्र का ही एक अंश है। अनादि निधन भव चक्र, सॉरी नॉट भव चक्र, भव चक्र मीन्स मैं जीव की बात नहीं कर रहा हूं है। अनादि निधन भव चक्र द्रव्य का विचार करें तो एक पर्याय को व्यक्त होने के लिए केवल एक समय का ही अवसर है, एक पर्याय दो बार व्यक्त नहीं होती, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, नॉट बिफोर एंड नॉट एवर अगेन, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस। गजब की व्यवस्था है, और कुछ भी देखो आपको आनंद आना चाहिए।
जो क्रोध की पर्याय पैदा हुई, आइए, जो क्रोध की पर्याय पैदा हुई वो पर्याय कहाँ चली गई? वो पर्याय, वही पर चली गई जहां पर उसको जाना था। अरे आप हंसने लग गए। वो वही पर चली गई जहां से वह आई थी। कहां से? ध्रुव में से ही आई थी, ध्रुव में ही चली गई है। द्रव्य के दो ही अंश है, ध्यान रखना, ध्रुव और एक समय की पर्याय, दो ही टुकड़े हो सकते हैं द्रव्य के। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, वस्तु के दो ही टुकड़े हैं। ज्ञान से देखो तो एक एक तरफ ध्रुव और एक तरफ केवल एक समय की वर्तने वाली प्रेजेंट पर्याय। एक समय के बाद वो जो एक समय पहले की पर्याय थी वो बन गई ध्रुव, और ध्रुव में से जिसकी योग्यता थी अभी वो व्यक्त हो गई। ऐसा सिलसिला चलता रहता है, उसी में से पर्याय आती है, उसी में से चली जाती है। पारिणामिक भाव रूप, योग्यता शक्ति रूप हरेक पर्याय हो जाती है, और आज तक थी भी, हाँ, लेकिन क्रोध रूप नहीं, क्रोध की योग्यता रूप समा जाती है, क्योंकि क्रोध रूप तो हो नहीं सकती। क्रोध तो व्यक्त पर्याय का नाम है, और ऐसा होता तो वेदन त्रिकाल होता रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वेदन तब ही होता है जब वर्तमान पर्याय में क्रोध होता है। समझ में आ रहे? क्रोध विला गया, क्रोध कहां विला गया? क्रोध तो तत्समय में ही काफूर हुआ, क्योंकि वो कोई वस्तु ही नहीं थी जी। हां, क्रोध की योग्यता तो समाहित हो गई ध्रुव। कितने जन फॉलो कर रहे? वो क्रोध कहां चला गया ये मत पूछो हमको, उसका भी यही उत्तर देंगे। जैसा पैदा हुआ था वैसा चला गया, क्षण भर की कल्पना पैदा हुई थी उसकी उपस्थिति हटी, गया, काफूर हो गया। समझ में आता है आपको? कर्म का उदय था, यहां पर विकारी परिणमन था, क्रोध हुआ, वो उदय भी चला गया, विकारी खेल खत्म हो गया। यहां पर अभी कौन से क्रोध की बात करते हो तुम? और जो विलीन हो वो क्रोध लेकर नहीं, क्रोध का भंडार नहीं है आत्मा, खरेखर क्षमा का भी भंडार नहीं है। लेकिन क्षमा का भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रोध हमारा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। यहां तक इतना, इतनी बात को मैंने समझाया है। पर्याय उत्पन्न होती है क्रोध की, जैसे मान के चलो क्रोध की योग्यता रूप विला जाती है, और उसी के बल पर सर्वज्ञ भगवान आज ये देख रहे हैं 12 साल बाद एक आग यहां लगेगी, एक स्फोट यहां होगा, और फिर बाद में स्फोट वहां पर भी होगा। समझ में आया? एक स्पोर्ट यहां वहां, समझ में आया? एक चिंगारी द्वीपायन में लग जाएगी, उनको 12 साल बाद क्रोध पैदा होगा, और फिर ऐसा ऐसा होगा, फिर वो द्वारका नगरी भी जलेगी। वो जो क्रोध पैदा होगा 12 साल बाद, ऐसी जो बात आ रही है, क्योंकि वो योग्यता ताकत रूप, क्रोध की ताकत रूप अभी भी वो पर्याय ताकत रूप विद्यमान है। समझ में आ रहा है? पर्याय रूप नहीं, पर्याय की योग्यता रूप, क्रोध की योग्यता रूप। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे प्रयोजन की बात निकली गया, बोलिए जी। ऑफ कोर्स वो तो योग्यता थी, इसका परिचायक हो गया, वो तो प्रमाण हो गया कि ताकत थी, तभी तो हो गया। शक्ति रूप थी, व्यक्ति रूप हुई, शक्ति एंड व्यक्ति, दैट्स ऑल। फिर अगेन शक्ति, व्यक्त नहीं होगी, शक्ति रूप बनी रहेगी, शक्ति रूप बनी रहेगी,
उसका व्यक्तिकरण फिर से नहीं होगा, उसी परे का व्यक्तिकरण नहीं होगा, शक्ति रूप तो बनी रहेगी, क्योंकि द्रव्य शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अपन। हाँ बोलिए। हाँ शक्ति मीन्स त्रिकाल उपादान कारण, त्रिकाल उपादान, उपादान कहते हैं। तकलीफ क्रोध के व्यक्तता की है, क्रोध की योग्यता की कहाँ है, योग्यता है वो पारिणामिक भाव ध्रुव है, ध्रुव शक्ति। समझ में आया? द्रव्य शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है, क्या सिद्ध भी शुद्धा शुद्ध पर्यायों के पिंड है? बहन का प्रश्न है, शायद उनको चैन नहीं पड़ेगी उत्तर तक, तो मैं अभी दे ही देता हूं। क्या सिद्ध भगवान भी शुद्ध शुद्ध पर्यायों के पिंड है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि व्यक्त, लेकिन प्रकट पर्याय की बात नहीं चल रही है। वहां पर पर्याय बोला हमने, लेकिन वो पर्याय योग्यता ताकत समझना चाहिए वहां पर। आगे बढ़ना, ये बच्चों को थोड़ा भारी जाएगा। अभी मैं इजनेस में आता हूं, यहां का सफर क्लीन रहेगा, लेकिन जो जो भी बात आती है वो स्ट्राइक होना जरूरी है आपको। कोई कठिन भी बात आए तो आपको एंग्जाइटी, क्यूरियसनेस तो होना चाहिए। बोलिए। एक तरफ से देखो तो परिणमन कर रहा है और एक तरफ से देखो तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहा है, वैसा ही है कूटस्थ नित्य एक तरफ से। समझ में आया? प्रमाण से देखो तो नित्य नित्यात्मक है, एक नए से देखोगे तो नित्य है, एक नए से देखोगे तो अनित्य है। उत्पाद वे भी हो रहे और ध्रुव भी है वस्तु, ध्रुव परिणाम रहा है अभी ये कहलाया, अभी ये बात ही नहीं, क्योंकि ध्रुव को देख रहा है द्रव्यर्थी की नहीं, नित्य नए, तो नित्य नए वस्तु को स्थाई देखता है, उसमें वो पर्याय को देख ही नहीं पाता, और अनित्य नए ध्रुव को देख ही नहीं पाता। सबका अपना अपना विजन है, अपना विषय है, सब्जेक्ट है दोनों का। उस समय में यह बात नहीं करना ध्रुव भी परिणमता है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब दो अंश हम कर ही चुके तब अभी तो यही कहना पड़ेगा ध्रुव अपरिणामी है और पर्याय परिणामी है, अब ऐसा कहना पड़ेगा। और आपको परिणामी अपरिणामी कहना है तब तो फिर द्रव्य की बात करनी पड़ेगी, होल द्रव्य, जिस समय में परिणामी है उसी समय में अपरिणामी भी। आगे बढ़ते बोलिए। क्या वो कब बंद होगी? आप एप्लीकेशन लिख कर देना, एक बंद कर देंगे फिर। आप क्या कर रहे हैं? वो तब बंद होगी जब अग्नि अपनी गर्मी छोड़ देगी, तब। समझ में आया? ये वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव परिणमना वस्तु का स्वभाव है, परिणमना हटने पर वस्तु का ही नाश हो जाएगा। तो वस्तु का स्वभाव भी परिणमना स्वभाव है, लेकिन बिना भी परिणमना। आपका ये कहना है विभव पर्याय कब बंद होगी, ऐसा प्रश्न है आपका? प्रश्न बदला सा नहीं लग रहा है आपको अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है, मतलब क्या कहना है। चलो छोड़ो छोड़ो, मैं आऊंगा आपके प्रकरण पर, आ रहा हूं, आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो, आ रहा हूं। हाँ बोलिए। किसको आपत्ति नहीं आए? आपत्ति नहीं शक्ति होने से ऐसी?
व्यक्त हो चुके उसको भी अपन शक्ति कह रहे हैं, आगे कभी व्यक्त होगी इसकी क्या बात है। अभी एक बार व्यक्तिकरण होगा पूरे चक्र में, उसके अनादि निधन चक्र में केवल एक बार अभिव्यक्ति होगी। जिस प्रकार मानव पर्याय में बचपन की एक बार अभिव्यक्ति हुई, फिर से बुढ़ापे के बाद भी एक दिन हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। और वो बचपना कहाँ चला गया कोई पूछे तो क्या बताएं हम? समझ में आता है? तो फिर से नहीं हो सकता। वैसी पर्याय होना बात अलग, वह पर्याय होना बात अलग। ओके, आगे बढ़ते। एक माला जो फिर गई वो लौट के नहीं आएगा। अनंत, अक्षय अनंत, कभी भी अंत नहीं होगा। रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं है उसमें। आगे बढ़ते। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कोई माला जप रहा है, तो एक के बाद जैसे यहां पर आ रहा है, तो आप मान सकते हैं उसको ये अभिव्यक्ति हो रही है। बस फर्क इतना है, वो गोल माला में 108 के बाद फिर चक्री घूमती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर चक्री कुछ ऐसी नहीं है, वो तो अनादि निधन स्रोत है। वो तो समझ में आया, एंडलेस, स्टार्टलेस। पकड़ में आया? आगे बढ़ते। वस्तु के जैसा नित्य धर्म है वैसा ही अनित्य धर्म है। दोनों धर्म बराबर की हैसियत से रहते हैं। कौन सा धर्म अच्छा है का विषय नहीं है, क्योंकि दोनों स्वभाव है। और यदि स्वभाव और शक्ति ही दुखकर हो तो सुखकर क्या होगा? फिर दोनों हाथ लड्डू है हमारे। कैसे? जिसको हम चाहते हैं ये हटे ना, गुणों का गोदाम जिसको हम कहते हैं ध्रुव, वो हटता नहीं। और जिसको हम चाहते हैं ये विकारी पर्याय हट जाए, वो स्वयं ये कहती है एक समय भी रुकने को मुझे फुर्सत नहीं, तो कहाँ लगा है मेरे पीछे। दोनों हाथ लड्डू है। जिसको हम नहीं चाहते वो स्वयं विला जा रही है, जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं वो स्वयं ये कहते हैं हम कहीं जाते ही नहीं। प्रकृति प्रदत्त बहुत शानदार व्यवस्था क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। एक लड़का है, उन्नीस बीस बाईस साल का हो गया। जैसा पागलपन आम जनों को होता है उसको भी पागलपन हुआ। उसने कहा पापा मुझे कुछ करना है। कुछ ले क्या करना चाहते हो? मैं मेरे पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहता हूँ, ऐसा हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको। तो क्या करना चाहता है तू पैरों पर खड़े? तो कहते मैं कुछ उद्योग धंधा करना चाहता हूँ। ठीक है, बाप ने कहा इससे बड़े खुशी की बात और क्या हो सकती है। 10 लाख दे दिए बच्चे को और ये कहा कि जाओ तुम्हें व्यापार करना है, जाओ तुम्हें जो करना है सो करवा। ऐसा 20 लाख चाहिए, ले लो 20 लाख ले लो, मुंबई जा रहा हूं महाराष्ट्र। ठीक है, वहां पर चले जाओ। मुंबई पर गया, अपना काम करने लग गया, 5 साल के बाद लौट कर आने की बात कर रहा है। पिताजी भी राह देख रहे हैं, 5 साल पूरे होंगे, लाल क्या गुल खिलाएगा, गधा है वैसा तो मानते हैं वे मन में मेरा बच्चा। लेकिन वो कोई बहुत चलो ठीक है, तुम्हें मन ही मन एक बात तो चाहते ही है, 5 साल होने के बाद 20 लाख यदि मैं बैंक में रखता तो 20 लाख का मान के चलो 25 लाख हो जाता, 25 लाख हो जाता मान के चलो, तो कुछ नहीं सही। ये आते समय 20 लाख का 40 लाख नहीं करके आए, नहीं सही तो इतना तो करे बैंक रेट से तो आ जाए 25 लाख तो आ जाए, और इतना भी नहीं बने तो भी कोई वादा नहीं, 20 लाख तो फिर से आ जाए। ये तो हर कोई चाहता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा, लॉस तो नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद आया खाली हाथ, नहीं तो काय के लिए आता फिर, बाप को ही बुला लेता वहां।
बाप फोन कर करके परेशान हो जाता। आते थोड़ी है ऊपर चढ़ने वाले, फिर से लौट कर आने की परंपरा है भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। तो बोला, पापा जी एवरीथिंग इज गॉन। डोंट वरी माय डियर। अभी और एक बात समझ लीजिए, एक रूल होता है प्रकृति का, जो बाप होता है वो पूरी पूंजी लुटा सकता है, बशर्ते उस पूंजी के बदले में हमारा लड़का कुछ अनुभव प्राप्त करे, क्योंकि अनुभव की कीमत बहुत बड़ी होती है, अनुभव का हरण नहीं हो सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? एक तरफ डिग्री है किसी के पास, मान के चलो कोई भी छोटी मोटी डिग्री हो किसी के पास, और उसके पास आज तक कमाया हुआ धन है, 10 साल में 2-5 करोड़ कमाया होगा। यदि चोर आए और या तो उसकी डिग्री रखो कहे या तो पैसा रखो कहे, वो क्या करेगा? प्रश्न है मेरा। और यदि उसके पास डिग्री है तो वो तो सब खड़ा कर सकता है। डिग्री मीन्स आई डोंट मीन कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम काउंटिंग द डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। ज्ञान धनम, बोलो बोलो अच्छे से बोलो, सर्व धनम प्रदानम, जिसकी चोरी कोई भी नहीं कर सकता जी। न चोर्य हरिम, आगे बोलो, न भ्रातृ भाज्यम, न च भारकारी, आगे क्या है? हाँ, ये चोरी नहीं हो सकती इसकी। राजा भी लूटपाट नहीं कर सकता, इसका डाकू भी नहीं ले जा सकता, भाई का साथ भी विभाजन नहीं होता, न च भारकारी, भार भी नहीं होता। ये एटीएम लेके जाने के लिए भी भार हो सकता है, ज्ञान को भार नहीं होता। और ये जितना व्यय करो, व्यय कृते वर्धत, नित्यमेव, निरंतर बढ़ता जाता है। आइए अपने प्रकरण पर, अपना उदाहरण चल रहा है, बाप बेटे का संवाद चल रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बाप पूरी पूंजी मिटा कर ये चाहता है कि बच्चे को अकल आ जाए, अकल आ जाए। सबसे बड़ी होती है अकल। जिसको ज्ञान कह रहे हैं अपन, अनुभव, अनुभव। एक तरफ पैसा और एक तरफ ज्ञान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या आप ये बात जानते हो कि जिस आदमी ने ये यूनिवर्सिटी खड़ी की है, अपना पई पई लगाकर, पई पई लगाकर, उन्होंने एक विद्वान को नियुक्त किया यूनिवर्सिटी को संभालने के लिए। उस विद्वान का नाम था ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड के नाम से यूनिवर्सिटी चलती है। ज्ञान धनम, बोलिए, ज्ञान की वैल्यू है, वो कोई चीज है ज्ञान। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। पिता ने कहा ले जाओ और 20 लाख ले जाओ, लेकिन कुछ अकल सीख कर आओ, और लेके जाओ, सब खत्म होने दो, और खत्म होते होते अकल भी तुम्हें आ जाए तब भी कुछ भी नहीं खोया। मेरे साथ भी कभी ऐसा ही हुआ था, और बहुत इच्छा थी कि मैं इंडस्ट्रियल लाइन में जाऊं। मुझे कहते थे पैसे लोग, मैं ये कहता था चला गया तो जाने दो, लेट्स ट्राई, अकल आएगी, जाने दो, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। लेकिन एक सर्टन लिमिट है सबका। बाप कब तक बर्दाश्त करेगा 20-20 लाख? बोलेगा बैठो, तुम घर पर ही बैठो, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। चौबे जी से दुब्बे जी होने की नौबत आई है, 26 जी कब बनोगे तुम? तो अभी जो है, सुनो सुनो, जो है सब ठीक है। एक लिमिटेशन होती है, बट प्रकृति देखिए, प्रकृति देखिए यार, कितनी गजब है ये प्रकृति। आपने अनंत काल व्यतीत हुआ, और जो प्राप्त धन है हमारा, पायो जी पायो, क्या धन है हमारा? जो प्रत्येक समय में वर्तने वाली पर्याय है, आहा, प्रकृति प्रदत्त कैसा जबरदस्त अवसर है। अनंत काल की पर्याय हमने खोई, और बावजूद इसके तुम्हें मौका और गुंजाइश, पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं प्रकृति के लिए। ये ले, सेकंड इज इन फ्रंट ऑफ,
ये पर्याय खड़ी ये फिर विषयों में लगाई, बर्बाद हुई। डजंट मैटर, रोने के लिए समय नहीं है। टेक दिया। प्रकृति कितनी अमर्याद है, ये अवसर अनंत काल से चल रहे हैं। एवरग्रीन, और एक छंद आप लोगों ने सुना होगा, विद्या विवादाय धनम मदाय सखी परेशान कर पीड़नाय हर सिद्धांतो विपरीत मेरा ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। प्राप्त पूंजी अब योग्य जगह यदि लगाओ तो आप आबाद हो सकते हो, और विपरीत जगह लगाओ तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। बात आप कहाँ लगाते हो उस पर निर्भर है। और आज तक दिवाला पिटा है हमारा, अनादिकाल से जितनी भी पर्याय है उसको लेकर हमने लक्ष्य पर का ही किया है। ये नया प्रकृति प्रदत्त अवसर जिसको आप अनित्य कहते हो, ठुकराना चाहते हो, फूटी आंख देखना नहीं चाहते हो, अवसर वही तो खड़ा कर रहा है आपको। और नया अवसर, बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। तो जो वर्तने वाली पर्याय है उसको लेकर आप विषय बनाएंगे त्रिकाली ध्रुव को, वो पर्याय स्वीकार करें मैं आत्मा हूं, वही पर्याय निहाल हो जाती है, आबाद हो जाती है। फिर आने वाली पर्याय का फिर सदुपयोग करने के लिए फिर आप स्वतंत्र हो। कितनी पर्याय बेकार चली गई मत सोचो, कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। प्रकृति जबरदस्त है। एक व्यापारी है, दुकानदार, इनकम बड़ी भारी है उसकी। एक मिनट में 1,00,000 रुपए कमाता है। क्या कहा मैंने? एक समय ही बोलना चाहता हूँ मैं खरेखर, लेकिन वो कैसे उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन आप कर पाएंगे? आप इमेजिन के बल पर तो कर ही सकते हैं। एक समय में 1,00,000 की उसकी इनकम है। काउंटर पर बैठा है मालिक, इमेजिनेशन है अपना ये। 1,00,000 की गड्डी किसी ने काउंटर पर रखी, राइट? एक समय तो उसको इतना ही भर करना है। क्या करना है? इनपुट। हर समय उसको ऊपर नहीं देखना है, उसको जो भी हर समय में गड्डी पड़ रही है उस गड्डी को उसको अंदर डालना है। हर समय की उसकी इतनी इनकम है। आप इमेजिन करो, समझ रहे हैं सब उदाहरण को? ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड, अचानक उसका पैसा डालते डालते क्या हुआ, थोड़ा सा जोर का फ्लिक हुआ। शायद उसको लगा होगा इस समय में मैं 2 ले सकता हूं तो फटाफट थोड़ा सा हो जाए। उस चक्कर में थोड़ा सा जोर का झटका लगा और वो बंडल काउंटर में न आकर काउंटर के नीचे गिर गया पैरों में। समझदार को क्या करना चाहिए? 1,00,000 गिरा, क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर उसका क्या करना? क्या करना सोचने के लिए समय नहीं है हमारे पास। कहा गया वो तो देखो बाद में, नहीं है समय। और जो झुका उसको उठाने के लिए, और आजकल तो कुछ ठिकाना भी नहीं है, लचक वचक जाए तो ऊपर उठ भी पाए तो नहीं भी उठ पाए। सुनो। और उसके पीछे 5-10 समय खपाएगा, 5-10 की इनकम तुम्हारी चली जाएगी समय की। प्रकृति इजाजत नहीं देती पीछे मुड़कर देखने की। जो भूत को देखता है उसको भूत लगता है। क्या कहा? हम जब छोटे थे वैसे ही डराते थे हम लोगों को कि क्या मालूम कि सही में था। हम एक जगह से गुजरते थे तो ये बोलते थे पीछे से आवाज आती है, मुड़के नहीं देखना, ऐसा कहते थे, क्योंकि जो मुड़के देखता है उसका लग जाता है, कहते थे। जो भूत को देखता है, बोलो,
उसको भूत लग जाता है। फिर भूत मतलब समझ में आ रहा है, जो मुड़कर भूतकाल की देखता है। कवियों ने, साहित्यिकों ने खूब पहल की इस पर, पास्ट इज डेड। हमने फोर्थ फिफ्थ में पोएम पढ़ी थी, पास्ट इज डेड, बरी इट, फॉरगेट इट, H.W. लॉन्ग फेलो की पोएम पढ़ाई जाती थी हमको। जो भूतकाल है वो मर गया है, अभी भी आज भी बोला जाता है भविष्य है वो कल्पना है, क्या है, सपना है, भूतकाल है, जो जो भी है छोड़ो, और ये अपना वर्तमान अपना है, ये तो बात तय है। अरे सपना सब सपना ही सपना है, भूतकाल क्या, भविष्य काल क्या। कहां तक खड़े हैं हम? ये अनित्य धर्म जिसके हम एलर्जिक बने, अनित्य वर्तने वाली एक एक पर्याय वो कितनी उपयोगी है, हर समय में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एवरग्रीन नया 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 अवसर देती है, नया अवसर। बोलो प्रकृति में इतना दयावान कौन है जो निरंतर आपको अवसर दे सकता है? कौन है दयावान जो इतनी बार चूकने पर भी अवसर तैयार, अवसर तैयार, अगेन, नो चेंज। ये भी नहीं साहब तुम फिर से नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो इसके बाद नहीं, इसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं। वस्तु का नेचर जानो, दोनों को जानो, दोनों हाथ हमारे लड्डू है। जिसको हम रखना चाहते नहीं वो स्वयं ये कहता है हम जा रहे हैं, जिसको हम रखना चाहते हैं वो कह रहा है विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, मैं ध्रुव हूँ, मैं कहीं भी जाता नहीं हूँ। दोनों हाथ लड्डू है, नित्य धर्मवत अनित्य धर्म भी सुखदायी है। अब फिर प्रश्न यह खड़ा होता है, नित्य के इतने गुणगान क्यों गाए जाते हैं? कलशों में कितनी जगह है नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो आदि आदि आदि। यहां पर श्रद्धान के श्रद्धे की बात चल रही है। ध्यान रखना, ज्ञान दोनों का करना, और दोनों का ज्ञान सुखद है, लेकिन श्रद्धान श्रद्धा की गली अति साकरी, जा में दो ना समाए। एक दोहा बोल रहा था कल में परसों, रही मन गली है साकरी, जा में दो ना समाए, आपू है तो हरी नहीं, हरी तो आप ना। आप पन्ने पीछे पलट कर फिर वही गलती कर रहे हो। बहुत लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए रखते हैं और ये कहते हैं कि साहब इसको हम घर पर जाके सुनेंगे, भले आदमी अभी क्या करेगा तू? यहाँ पर ये कहते हैं वर्तमान में जो और क्या करता है। नित्य और अनित्य दोनों का ज्ञान तो हमें करना है। नया अर्थ करूं, परसों एक अर्थ किया था, आपू है तो हरी नहीं, हरी तो आपू ना ही। भगवान को वरोगे तो आत्मा एक तरफ रह जाएगा। आत्मा को जिनको वरना है उनको सबको बाकी के खाते में रखना पड़ेगा। अब समझ रहे, आपू है तो हरी नहीं, हरी तो आपू ना है। हरी मतलब यहां पर पंच परमेष्ठी, अपुन मतलब शुद्धात्मा। कहीं ना कहीं उपचार में जिनको हम बड़ा कहते हैं, ऐसे अवसर जीवन में आते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हमको गौण करना पड़ता है। बात यह है वे गौण अपने आप हो जाते हैं। कहां तक आए थे? श्रद्धान का श्रद्धे कौन? श्रद्धान का श्रद्धे एक ही वस्तु होता है, और यह कहा जाता है स्वयं को नित्य मानो। तो जब नित्य भी धर्म है अनित्य भी धर्म है तो नित्य ही क्यों मानना? तीन चार दिन पहले खुलासा हुआ था, फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि नित्य अपने में अनंत अनित्यों को समाहित किए हुए है। बराबर, नित्य बड़ा है और अनित्य के अनुभवन के लिए कितनी गुंजाइश, एक समय में ही मिला जाएगा। और अनित्य स्वयं ध्यान करने वाली है तो वो ध्येय कैसे हो सकती है? अरे तुम्हें तो अभी परोसना है, तुम कहाँ बैठ रही हो भोजन करने के लिए? समझना है, नहीं मैं परोस भी दूंगी और भोजन भी करूंगी, फिर तुम्हारे हाथ का कौन लेगा?
समझ में आता है? परे को तो सुखी होना है, वो तो ध्याता है ध्यान करने वाली। मैं ध्येय हूं, अविनेश्वर तत्व हूं। अब समझ में आ रही है बात को? इसलिए जगह जगह अनित्यता को गौण करके जितने भी अनित्य आदि भावनाएं हैं, वहां पर यह भावनाएं बताने का प्रयास किया है कि ये सब बाह्य संयोग है, वे क्षणिक है, उनका आश्रय नहीं करना चाहिए। जो त्रिकाली ध्रुव है उसका आश्रय हमें करना चाहिए। कबीर एक कवि हुए, सुबह टहलने गए, आज अपने लड़के को लेके गए थे साथ में। टहलते टहलते गए एक जगह, उन्होंने देखा चलती चाकी देख कर, बोलो दिया कबीरा रोय दुई पाटन के बीच में साबुत बचान को। कबीरा जे कह रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है मुझे इस चक्की को देखकर, दो पाटे के बीच में जितने भी गेहूं के कण आ रहे हैं वे सब के सब पीसे जा रहे हैं। आज उनका लड़का कमाल भी उनके साथ आया है, आज कमाल कर दिखाएगा। पिता झलक जो पुत्र, पिता ये कह रहे हैं क्या हो रहा है, रो रहे हैं। कबीर को तो बहुत रोने की आदत है। कुछ भी हुआ मिट्टी का टीला तो देखो जलधारा में बह जाता, धारा ही मुड़ जाती लेकिन अचल अड़िग पर्वत रहता। ध्यान से सुनिए, ध्रुव कीली के पास रहे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं वे कीली छोड़ जो जाते हैं। निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, किसका आश्रय लेना, जाती हुई एक एक पर्याय का, जिसको हम छूने जाए तो उसके पहले ही मिला जाएगी, और किस पर्याय से प्रीति करेंगे आप। इसलिए पज्जय मुड़ा ही परसमाया, ऐसा जगह जगह टोन आचार्य ने की है, और प्रारंभ में ही सिद्धों को इसीलिए नमस्कार किया है। अखे समय सार में पहला विशेषण का प्रयोग है ध्रुव। कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, हूबहू वैसा प्रोडक्ट। 5 रुपए का भी है हूबहू वैसा प्रोडक्ट, 50 रुपए का भी है, फर्क कंपनी का है, और कंपनी को लेकर फर्क तो ड्यूरेबिलिटी का है। हर एक जन नित्यता को चाहता है, स्थायित्व को चाहता है, हर जगह हर कोई। आज यहां ठेला लगाऊंगा, वहां ठेला लगाऊंगा, फिर वहां, ये कब तक चलेगा? चाहता है कोई आखिर मेरा स्थायी दुकान हो? किराए के घर में कौन कब तक रहना चाहता है? हर जन चाहते हैं स्थायित्व, हर जन चाहते हैं। समझ में आता है? जो नित्य अंश है हमारा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं। और एक बात, वेदी में विराजमान जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको जो भगवान नहीं देखता वे तो मिथ्यात्व है ही, लेकिन उनको जो भगवान ही देखते हैं वे भी मिथ्यात्व ही है। दरअसल दोनों मिथ्यात्व में अंतर घना है। जो उनको भगवान नहीं देखते, कुगुरु आदि को ही भगवान देखते हैं, कुदेव को, वे तो ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन जो उनको भगवान ही देखते हैं, चेतनमय वस्तु देखने की उनकी दम होती ही नहीं, तो उनका भी अग्रहित मिथ्यात्व तो कभी हटता ही नहीं, क्योंकि भगवान के पहले, सबसे पहले वे तो एक चेतन वस्तु है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, विद्वान हो जाए, दुनिया की वाहवाह हो जाए, उसको बाप को जब समझाने का मौका मिलता है तो बाप तो यही कहता है, बोलो बेटा क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, बोलो क्या कहता है,
होगा विद्वान तू दुनिया के लिए। है भी सबसे पहले तू मेरा बेटा है। अपने बात बनानी हो तो अपना तो एकत्व तो देखना ही पड़ेगा। दुनिया की पहचान से हम अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? वेदी में विराजमान को जो भगवान ही देखते हैं, उनका अग्रहित मिथ्या तो कभी भी नहीं हटता है। उनमें और हम में फर्क नहीं देखने की बात है, अंतर को मिटाने की बात चल रही है। अंतर यही बोलिए, मैं और एक बात कहता हूं इसीलिए। भूतकाल आपका भी कहा अच्छा था, भविष्यकाल हमारा भी कहा खराब है। समझ में आया? वर्तमान में ये डिसीजन आपको स्ट्रेंथ लाएगी। भगवान सबसे पहले बोलिए, जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत्त पच्चैति। अन्वय एक, अन्वय के विशेषण दो बोलिए। अन्वय के व्यतिरेक चिद विवर्तन परस्पर प्रवृत्त एक समय का परिमाण काल। कितने जन समझ रहे बात को? अस्तित्व गाथा का अध्ययन किया है कभी? जैसे उनका द्रव्य वैसा मेरा द्रव्य। समझ में आया? जैसा उनका गुण वैसा ही मेरा गुण, जैसे उनकी पर्याय वैसे ही मेरी पर्याय। पर्याय में कुछ भी फर्क नहीं है। अब गौर से देखो, कर्मोपाधि निरपेक्ष नए पर्याय से भी सिद्धों में और अपने में अंतर नहीं देखा था। पर्याय उनकी भी एक समय की, आगे पीछे की पर्याय का उनका भी कोई संबंध नहीं, और उनकी भी पर्याय में व्याप्त चैतन्य। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? नित्य के आश्रय की बात चल रही है। ज्ञान दोनों का करना है, नित्य का भी ज्ञान करना है, अनित्य का भी ज्ञान करना है, और दोनों का ज्ञान सुखदायी है। क्योंकि जाते हुए का ज्ञान करने पर उसमें प्रीति नहीं हुआ करती, जो मिला जाएगा। समझ में आता है? जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य कटे बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को। समय हो रहा है कि कुछ सुनना है? दो पांच मिनट का सुनना है बेटा। अभी अभी ट्रेन में आ रहा था। पास में ही उसी बर्थ पर एक सज्जन भाई बैठे थे, बुजुर्ग थे। टिकट चेकर वैसे कौन किससे बात करता है, फुर्सत किसको है? फोन वालों को तो बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है, उससे ज्यादा व्यस्त हम हैं। देखो ना, देखो परिस्थिति कितनी बदल गई। मुसलमान भी हमको लजाने लग गए। अब 4 बजे भी उठकर देखेंगे आपको 10-15 मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते मिलेंगे, जिस समय में आप खर्राटे सो रहे ले रहे। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूं, जिनको अजान अपने कान पर पड़ने पर राम सीता के गीत गाते हुए 5 बजे निकलते हैं रोड पर, उनके गीत कान पर सुनने पर भी जो रजाई नहीं हटाते, वे तो मुसलमान से ही गए बीते हैं। उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। 3-3 बजे उठकर, 4-4 बजे उठकर 50-50 जन भी धड़ाधड़ 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 एक के बाद एक नमाज लगाते हैं। जिन शासन की प्रभावना कैसे होगी? हम प्रवचन करना जानते, प्रवचन सुनना भी जानते हैं। कैसे बात? ठीक है, टिकट चेक कराया, वैलेट, किसी का वैलेट, किसी का पर्स,
गिर गया है, मिला है, किसका है? भाई बोले साहब वो मेरा है। प्रमाण सब उसमें फोटो है तो किसकी? भगवान की है। ऐसे तो कोई भी कहेगा ये कोई प्रमाण हुआ? भगवान की है तो भगवान की होनी चाहिए फिर बस। ऐसे तो कोई भी कहेगा भगवान की है तो तुम्हारी होती तब तो कोई बात भी होती, भगवान की क्यों है? क्षण भर के लिए हिला देगा, बोले क्या बताऊं मैं आपको, पहले कभी टाइम था 70-80 साल के सज्जन है ये आज, पहले कभी टाइम था जब मैं 7-8-9-10-12 साल का था, तब मैं पर्स में अपने माता पिता की ही फोटो रखता था। काल बदलता गया तब मुझे ये लगता था माँ बाप ये सर्वोत्तम निधि है इस भूतल की। हजारों संकट अपने छाती पर माथे पर झेलकर ढाल जैसे बनकर सभी अनुकूलता आपको देकर पूरा प्रेम उड़ेल दे, ये लिवर दिया किडनी दिया ये क्या फालतू बात करते हो? जिसका अंकन ही नहीं हो सकता तराजू पर उसकी क्या बात करे? एक काल बीता जब मैं माँ बाप को सब कुछ मानता था, एक पल भी उनका वियोग बर्दाश्त नहीं करता था, तो हमेशा उनकी फोटो बनाए रखता था। काल बदलता गया, काल बदलता गया, नई संगत से मैं घिर गया, जवानी का जोश, जवानी की मस्ती, 20-21 साल का हुआ, मुझे कुछ दर्पण में देखकर ऐसा लगने लग गया कि आई एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। तो हर प्रकार से मैं मुझे ही देखता, मुझे ही सवारता, मुझे लगता तो मैं तो बहुत ही जबरदस्त जीव हूँ। मैंने बड़ी निर्दयता से इन फोटो को हटाकर फिर मैंने 2-5 फोटो मेरे ही लगा लिए। आते जाते दर्पण में देखना, फिर ये लगता था दुनिया मेरी ही तरफ देख रही है, मैं अपने जुनून में दौड़ता था। काल फिर बदल गया, बदलता गया, मेरे जीवन में कोई आई, लोग उसको गधी कहते हैं, मुझे तो परी दिखती थी वो, जो भी हो मुंह पर नहीं कहते, मैंने सुना है। और उसके पीछे कितने जनों से मैंने बैर मोला है उसकी कोई गिनती भी नहीं है। अपने इन 2-5 खोपड़ियों के लिए मैंने दुनिया के गले काटे हैं, पेट काटे हैं, इनके पेट भरने के लिए। ठीक है, मुझे ये लगने लग गया, जब शादी हुई वो दिन कुछ और ही थे, ऐसी अनुभूति हुई, मुझे तो लगा शायद स्वर्ग जिसको कहते वही यही होता होगा, जन्नत वगैरह भी सब कुछ इसके चरणों में लाकर बरसा दूं। थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा ही लग गया कि जन्नत भी फीका है इसके सामने। सर्वस्व समर्पण का दावा करती थी, मुझे लगता था कोई तो है जो मुझे अपना कहता है। लेकिन बहुत ही थोड़ा टाइम बीतने के बाद यह ध्वनि ही बंद हो गई, ध्वनि की धारा बदलती जाने लग गई। प्रत्येक समय में जहां पर डिमांड थी वहां पर उपेक्षा होने लग गई। पद पद पर, बातों में, क्रियाओं में, हर जगह उपेक्षा झुंझलाट होने लग गई। आधार स्तंभ मेरे आशा स्थान मैंने केंद्रित कर दिए, अभी तो यही सहारा है, जो मेरा बच्चा है अब यही कुछ करेगा। लालन पालन पोषण में मैंने मेरे एक एक दिन की एक एक घड़ी एक एक समय, अस्पताल में एडमिट है तो पूरा खून ले लो आप, साफ कर दो हमारा, डॉक्टर ने 1000 बार कहा ये नहीं हो सकता खून नहीं है, और इसके बिना तो चल ही नहीं सकेंगे, तो साहब इसके बिना जीवन भी क्या होता है, वे ही जी जाए आप, यही कभी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे।
यही हमें हमारी उम्मीद है, यही आकांक्षा, यही सब स्वप्नों की पूर्ति है। टाइम बदलता गया, पढ़ाया लिखाया कर्जे से सब हो गया, आज उनको मेरे लिए टाइम नहीं है। परिस्थितियां कितनी तेज रफ्तार से मोड़ ले रही है और मैं एक एक के पीछे कब तक भागता जी। आखिर कहीं ना कहीं रुकना जरूरी था, लेकिन ऐसा कोई संबल भी तो नहीं था। अभी किसको आधार बनाऊंगा? सुना था जिसका कोई नहीं, कहीं सुना था जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, ये कभी भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ते। प्रहलाद को आदि को कितने संकटों में आकर, तो मैंने सोचा यही कुछ शरण हो सकता है। अभी इन आने जाने वालों पर मुझे बहुत भरोसा नहीं रहा। अपनी शुद्धात्मा जो त्रिकाल हमारे साथ वर्त रही है, क्षणिक पर्यायों के लिए, उस क्षणिक पर्यायों के भी थोड़े थोड़े टुकड़ों के लिए हम बहाल नहीं कर सकते अपने जीवन को। कल की भाषा में हे नमाज बोलो, मैं तुम्हारे लिए इस दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। उसी प्रकार हे शुद्धात्मा उत्तम अठम आदा तेजे देखम कुलस्यार्थे, अंतिम बात बोलो, चात्मार्थे पृथ्वी तेजेत। शुद्धात्मा के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। नित्यानित्यात्मक वस्तु होने पर भी आश्रय किसका करना, जाते हुए का कि जो स्थाई है उसका, और जो जाते हुए का आश्रय करता है फिर वही बात है जो कभी इसके कभी उसके। यहाँ पर तो देवशास्त्र गुरु भी एक पर्याय है, उस पर भी दिल लगे अच्छी नहीं है। पंचास्तिका संग्रह का समापन दो गाथाएं है, एक उत्थानिका में ये लिखा है, अंतिम चार पांच गाथाएं आपको देखना चाहिए। एक गाथा की उत्थानिका में ये आया, अब हम ये सिद्ध करते हैं कि पंच परमेश्वर की भक्ति निर्वाण का परंपरा कारण है। आगे की ही गाथा है उत्थानिका, अब हम ये सिद्ध करते हैं कि पंच परमेश्वर की भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है, इस बात की सिद्धि करते हैं। मूल शब्द पढ़ना चाहिए, कोई भी हो जो मिला जाएगा उसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। जो स्वयं ही एक समय का है, जिसको अपने ऊपर ही भरोसा ही नहीं है, उसका भरोसा कौन करता है लोक में भी। इसलिए जगह जगह नित्य के आश्रय की बात की है। ये रूप लावण्य, ये धन संपत्ति, ये सब बिला जाएगा, इसके आश्रय से छोटा बड़ा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। चमड़ी और दमड़ी के बल पर दुनिया को रिझाने का भाव अपराध है। जैन शासन आपको इजाजत नहीं देता। ब्यूटी इज स्किन डीप, उस गुणों की खान को, उस सौंदर्य को जो समझता है वो बाहर से उसको आकर्षित किसी को भी करने का फालतू फिजूल भाव, कुछ थोड़े से बेवकूफ मुझे अच्छा कहे ऐसा आग्रह उसका छूट जाता है। किसी का दिल बहलाने के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। दुनिया तो दुनिया है, कोई मुझे क्या कहे उससे क्या फर्क पड़ता है। यह जानकर हम सबको त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा मानकर हमें सुख संपन्न जीवन जीना चाहिए। इस 40-50 साल का ये लड़का लड़की माता पिता वाला ये संकीर्ण दायरों से निकलकर आपको थोड़ी सी विराट सोच, विशाल व्यापक सोच आपकी होना चाहिए। ओम।